फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का ये प्रश्न बैंक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रश्न बैंक है और इसमें उत्तर सहित है। ठीक है, आपका आंसर सहित है तो आप चाहे इंग्लिश मीडियम को या फिर हिंदी मीडियम को, कोई भी मीडियम को, आपको यहाँ पर क्वेश्चन बैंक मिल रहा है। ठीक है, और इस सब्जेक्ट में आज हम लोग देखेंगे आपका इतिहास। ठीक है, इसमें आपको ले चलते हैं और चलते हैं क्वेश्चन इतिहास का। देखिए यहाँ पर ये सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का, इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र सभी है। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे कौन सा, तो आज इतिहास वाला देखेंगे। ठीक है, भूगोल भी, नागरिक शास्त्र भी और अर्थशास्त्र भी आपको बताएंगे। और सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, मैथ का भी मिलेगा, साइंस का भी मिलेगा, इंग्लिश का भी मिलेगा, हिंदी का भी मिलेगा, सभी का मिलेगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए तो देखते हैं आज हम लोग इतिहास का, और इसमें पूरा चैप्टर आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी ये जैक द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इसमें दिया, इसमें कुछ लिखा हुआ है तो इस ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इतिहास का, और इतिहास का सभी आपको जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी पार्ट हैं, वो सब आपको यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, वो सब आपको, तो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ठीक है, आंसर आपके सामने रहेगा, किसी किसी का आंसर बता भी देंगे, किसी किसी आंसर का आपको वीडियो को पॉज करके देखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर विषय सूची दिया हुआ है, विषय सूची में हम लोग ये सारे चैप्टर को देखेंगे, ये पाँच चैप्टर के इतिहास में देखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे भूगोल, देखेंगे ज्योग्राफी देखेंगे। ठीक है, और ज्योग्राफी में टोटल 7 चैप्टर हैं। क्लियर है, उसके बाद देखेंगे हम लोग कौन सा, तो उसके बाद देखेंगे नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में हमारे कितने हैं, तो नागरिक शास्त्र में 8 चैप्टर हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में कितने हैं, तो 5 चैप्टर हैं। ठीक है, ये सब मॉडल सेट प्रश्न पत्र देख सकते हैं आप जेक के द्वारा वार्षिक 2023 के लिए, तो किसी भी ईयर का हो, आपका ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करें, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इतिहास का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। तो देखिए ये हिस्ट्री का आ गया और इसमें हम लोग इसका क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद है, इसका जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आप पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन, किसी राष्ट्र के सामूहिक पहचान को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके पास है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा, राष्ट्रवाद। यहाँ सभी का आंसर दिया तो आप देख करके वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। यहाँ पर सभी चैप्टर को आपको हम बता रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक ही वीडियो में आपको मिल जा रहा है, इतिहास का सभी रिविजन हो जाएगा। अगर जो आपको याद होगा वो भी ठीक है, और जो नहीं याद होगा वो याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसके सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, चार चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। ठीक है, तो ये तो आपको याद होगा, फ्रेडरिक सोरियुराय। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए और बताइए कि क्या इसमें ऑप्शन, जान रहे आप कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, आर्नस्ट रेनन कौन था। ठीक है, तो ये फ्रांसीसी दार्शनिक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। बाद है क्वेश्चन नंबर सिक्स पे है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही। इसमें बोल रहा है कि किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका किसी भी ईयर का काम कर जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा सही। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुए, तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। ये काम का चीज़ है आपके लिए, तो इसीलिए बोल रहे हैं आपको कि अगर आपको याद हो या फिर पढ़े हो या फिर ना पढ़े हो, तो सब इसमें रिवीजन हो जाएगा, तो वीडियो को देखिए लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था, तो प्रसा के राजा विलियम प्रथम को। ठीक है, क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन है, 19वीं सदी के मध्य इटली के कितने राज्यों में विभक्त किया गया था, तो 7 राज्यों में विभक्त किया गया था। जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है, तो बलूत का एक पेड़ होता है उसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, कुस्तुनिया की संधि कब हुई थी, तो 1832 में। इसके बाद है 12, क्वेश्चन नंबर 12 है,
किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई है? आपका अगर इतिहास का बुक में देखेगा तो एक पिक्चर अलग बना करके उसमें दिया है, तो वहीं से क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए बोले कि छोटे बड़े सभी इसमें क्वेश्चन है, आप इसको देखिए और बहुत एग्जाम में ये मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही मारियान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इंग्लैंड और किसके बीच, कौन सा देश के बीच, तो स्कॉटलैंड हो जाएगा, के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, ठीक है, तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें कहता है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे, तो प्रसा के चांसलर थे, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें है आपका, तो ये आपको जो भी बता रहे हैं ये सब आपका ऑब्जेक्टिव है, और आपको भी पता है कि आपका जो एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा, दोनों एग्जाम होगा, क्लियर है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, उपरोक्त में से सभी। इसके बाद है 16, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था, तो फ्रांस में था। इसके बाद है, ये तो आप 9th में ही पढ़े होंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तो नारीवाद इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू, अब चलते हैं, अच्छा और भी है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है आपको हम दिखा दे रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन टोटल जो है वो 34 क्वेश्चन है, क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए, और इसमें क्वेश्चन नंबर 18, मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत है, मार्सिले पूछ रहा है, तो ये 9th का क्वेश्चन है, फ्रांस देश का। इसके बाद है 19, रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, रूसो को। इसके बाद यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसे की थी, ठीक है, तो मेजनी ने, वही यंग इटली और यंग यूरोप जो इसका नाम है, ठीक है, और ये इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आप इसको अच्छे भली भांति जानते हैं। इसके बाद है 22, ठीक है, 22 क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है वियना की संधि कब हुई थी, तो सी 1815, ठीक है, 1815। 23 है जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये किसका कथन है, मेटरनिक का कथन है। इसके बाद है 24, 24 है काबुर को राजा विक्टर एनमुलन द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर, क्लियर है। इसके बाद है 25 क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था बालकन क्षेत्र, ठीक है। 26 है कवियों और कलाकारों ने यूरोप सभ्यता का पालन किस देश को बताया था, तो यूनान को। जर्मन का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो जर्मन का 1871 में हुआ, ये याद रखिएगा 1871 में। इसके बाद है 27 क्वेश्चन नंबर, इसके बाद है 28 देखें, इधर है यहाँ पर 28 क्वेश्चन नंबर है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, 1861 में, ठीक है, और जर्मनी का एकीकरण 1871 था और इसका 1861 में। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की, तो नेपोलियन ने। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 से, इसमें कह रहा है चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, रूसो थे। इसके बाद है, और 9th में रूसो का और बुक पढ़े होंगे आप। इसके बाद 22 है शुल्क संघ जॉलवेराइन की स्थापना किस देश की पहल पर की गई थी, तो प्रसा देश के पहल पर की गई थी। इसके बाद है 34 है, 34 आपका है बिस्मार्क जर्मन का चांसलर कब बना था, तो 1871 में, ठीक है, 1871 में हुआ था, और याद रखिएगा 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था और 1861 में इंग्लैंड का, क्लियर है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर कौन सा, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 34, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश का नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका था, तो मैथिनी का था, ठीक है, जोसेफिन मैथिनी, ये आपको बोले थे कमेंट में नाम बताने के लिए। चलिए इसके बाद है, अब आपका यह आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, छोटा ये एक दो नंबर के लिए या एक नंबर के लिए भी पूछा जाएगा, तो दो नंबर के लिए भी कभी कभी पूछ देता है, तो वही सब क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, फिर निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, कल्पना दर्शक या फिर यूटोपिया क्या कहता है, फिर फ्रेडरिक सरूरा कौन था, ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है खुद से, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर भी देख लीजिए, और ये आपको नोट कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए जो करना है, लेकिन ये आपके काम का है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें कहता है राष्ट्र क्या है, जनमत संग्रह क्या है,
रूढ़िवाद, रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं, उदारवाद से आप क्या समझते हैं, ये सारे वर्ड आपको दिया हो, जितने आप पढ़े होंगे इतिहास में, सबका सब यहाँ पर सारांश है, सभी का सब यहाँ पर रिवीजन करने के लिए है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1815 के वीना संधि के क्या उद्देश्य थे, जोलवेराइन क्या है, मेजिनी कौन था, ठीक है, तो मेजिनी अभी था ना ऊपर में, देखिए मेजिनी इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था जिसका जन्म 22 जून, याद रखिएगा 22 जून 1807 में कहाँ पर हुआ था, जिनेवा में। वह कार्बोनारी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का सदस्य था। फिर 1831 में उसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था, क्लियर है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मेटरनिक युग क्या था, फिर जर्मन की एकीकरण में क्या बाधाएं थी, ठीक ना, ये आपको देख लेना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 14 था, क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, बीना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। फिर 15 है, रूपक से आप क्या समझते हैं, ठीक है, फिर नृत जातीय से आप क्या समझते हैं, फिर नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अब वो तो अति लघु उत्तर था, ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसमें क्या है देखिए, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, ये यहाँ पर आपका कारण पूछ रहा है तो ये लिखा हुआ है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है, एक होता है ऑस्ट्रेलिया और एक ये है ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा, क्लियर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ था, ठीक है, तो ये आपका आंसर, इसको आप देख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा या फिर समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, गैरिबाल्डी के कार्य की चर्चा करें, ठीक है, तो इसका कार्य यहाँ पर दिया हुआ है। 5 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी करें, तो निम्नलिखित पर ये टिप्पणी करना है, कौन सा निम्नलिखित पर टिप्पणी करना है, तो पहला आपका है जोसेफीन मेडिसिनी और दूसरा है काउंट कैमिलो द गाफोर, ठीक है, तो ये आपको है और ग भी है, यूनान स्वतंत्रता युद्ध, फिर राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की क्या भूमिका थी, ये भी आपको टिप्पणी करना है, तो इसमें से कोई एक दो आ सकता है, सब नहीं आएगा। चलिए इसके कौन सा क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 5, क्वेश्चन नंबर देखिए 6, और इधर भी है, अंग भी है, यहाँ देखिए फ्रैंकफर्ट संसद पर टिप्पणी करें, तो ये भी देख लीजिए आंसर इसका, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, क्योंकि हमने सभी चैप्टर का रिवीजन करा है इसीलिए हम आंसर नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। इसके बाद है मारियन और जर्मिनिया कौन थे, यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, और उम्मीद है कि आपका 80 से 90% इससे, मेरा ऐसा मानना है इससे आएगा, ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है, तो आप इसको देख लीजिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है, फिर आप भी गेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए थे, तो ये कुछ लिखे हुए पॉइंट्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है देखिए, इसमें कर बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, क्या कारण थे, तो इसका आंसर लिखा हुआ है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, और कोई क्वेश्चन बचा क्या नहीं, 7 हो गया, 8 हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, ये दीर्घ उत्तरीय, ये लंबा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया संक्षेप में वर्णन करें, ये आपको दिया हुआ है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है देखिए, इटली एकीकरण की प्रक्रिया संक्षेप में वर्णन करना है, या फिर इटली के एकीकरण में शासक विक्टर एमैनुअल, मंत्री प्रमुख कावूर और गैरिबाल्डी की क्या भूमिका थी, ये आपको करना है, तो एकीकरण बोले या फिर ये क्वेश्चन है, आपको आंसर सेम ही लिखना है, क्लियर है। ये इसका आंसर देखिए यहाँ तक है, इस उसका जो आंसर था वो यहाँ तक है उसका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड देखिए, थर्ड आपके पास है, थर्ड क्वेश्चन नंबर है, कहता है राष्ट्रवाद के विकास में भाषा और लोक परंपराओं के महत्व की चर्चा करें, और ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये 5 नंबर में आता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसीलिए इसका 5-6 पॉइंट्स कम से कम आपको याद रखना है, तो इसका देखिए आंसर यहाँ तक है, तो आप समझ करके अपने मन से समझते हुए इसको याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांति ने क्या कदम उठाए थे, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, इसका आंसर यहाँ तक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है
उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा और इसको आप देख लीजिएगा, क्लियर है? तो इसका आंसर यहाँ देखिए सामाजिक आर्थिक ये सब दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था? ठीक, कैसा भी किस प्रकार से अलग था वो आपको बताना है। तो ये अब ये चैप्टर 1 था, अब इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो ये हमारा 2 है, भारत में राष्ट्रवाद, क्लियर है? चलिए तो पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी, पहला क्वेश्चन है इसमें महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में। ठीक है, इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? किस, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 20, सही हो जाएगा, दिसंबर 1920 नागपुर के अधिवेशन में, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1815, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था? कब? तो 1917, ठीक है, याद रखेगा 1915 में अफ्रीका से लौटे थे और 1917 बिहार के चंपारण जिले से ये यात्रा किए थे, वहाँ गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें कहता है आपका असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र ने। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन बुक से चुन करके लिखा हुआ, आप इसको जरूर देखिए। इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में, 13 अप्रैल 1919, याद रखिए। इसके बाद है 7, देखिए 7 आपका है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उस सन्यासी का नाम बताए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे? तो बाबा रामचंद्र। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, वे बागानों को छोड़कर घर की ओर चले गए थे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ऊपर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बारदोली आंदोलन में। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 11, आप एक पॉज करके पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन नंबर है 11, निम्न में से कौन भारत के स्वतंत्र संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी से जुड़े थे? तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। ये कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा हुआ सवाल है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो 1919 में और तुर्की देश के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफर खान, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने की? तो गोपाल कृष्ण खोगले ने, ठीक है, महात्मा की उपाधि गोपाल कृष्ण खोगले ने दी थी, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, या फिर इसका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन आप अच्छे से देखें, हमें इसमें डाउट लग रहा है, ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे होना चाहिए, तो आप बताएगा कमेंट करके कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, चौरी चौरा के हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस लिया था? तो असहयोग आंदोलन को, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड उपरांत किस समिति का गठन किया? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस वर्ष किया था? तो दांडी यात्रा से, मतलब कहाँ से किया था, किस कार्य से किया था, ये पूछा था। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? तो रॉयल एक्ट में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 में। महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया था? तो 6 अप्रैल 1930 में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की थी? तो भीमराव अंबेडकर, ये तो जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। इसके बाद है 24 है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया? तो लाहौर अधिवेशन में। इसका कभी डेट भी पूछ देता है, वो डेट आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये लंदन में हुआ था 1930 में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसमें कहता है आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ी में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा सही। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं 27। देखिए 27 आपका है क्वेश्चन नंबर 27, 27 आपका इधर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, किस एक्ट के तहत बगान में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाजत बगानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी। तो ये था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, ये एक एक्ट होता था ताकि लोगों से साइन या ठेपा करवा लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल गोलमोल शाह ऐलान किस वायसराय ने किया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा सही। 29 है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, आपका इसका जो आंसर है वो बाल गंगाधर तिलक है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ 1942 में, करो या मारो महात्मा गांधी, इन्होंने ये दिया था नारा। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय, तो देख लीजिए पिकेटिंग क्या है, फिर बहिष्कार सबसे आप क्या समझते हैं, रोलेट एक्ट क्या था, फिर भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, ये सब क्वेश्चन है और ये सब का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, महात्मा गांधी अशोक आंदोलन ही क्यों चलाया, इस प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, तो ये सब आपका इम्पोर्टेंट है देख लीजिए। ठीक, तो ये सब 9, 10 ये सब आप वीडियो को रोक करके और देख लीजिए, क्योंकि हमें सभी चैप्टर का बताना है, तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसी वजह से हमें सभी नहीं बता रहे। क्लियर है। तो यहाँ से था आपका पिकेटिंग, 1, 2, 3, 4 हो गया आपका। इसके बाद है 7, 8, 9, 10 इस तरफ है। इसके बाद 11 हो गया, 12 हो गया, चलिए ये हो गया आपका। इसके बाद आपका यहाँ है, ये खत्म हो गया। इसके बाद आपका है ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो गया। चलिए इसके बाद आपका है लघु उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका किस तरफ है देखिए, ये आपका यहाँ से है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कहाँ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर यहाँ रहा। ठीक है, ये आपका आंसर है, ये जो है आपका आंसर है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर है ये, और इसका आंसर ये रहा, देख लीजिए आप। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, गांधी जी ने, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गांधी जी ने अशोक आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया था। क्लियर है, तो इसका आंसर ये रहा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, ये सब आप उम्मीद है कि पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो ये पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम में बहुत मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, साइमन कमीशन पर टिप्पणी करें, उसके बाद इसका कुछ और आंसर यहाँ पर है आपका, ये वाला देख लीजिए, ये आपका आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत माता का छवि और जर्मनी की छवि की तुलना कैसे की जाती है, तो ये सब आपको काम करेगा, ये सब आप जरूर पढ़िएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है पूना पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 12 उसके नीचे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर, फिर इधर है आपका आंसर है, इसमें है आपका, यहाँ से है। ठीक है, तो ये हो गया उस 14 का आंसर, यहाँ तक है। इसके बाद देखते हैं जो 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका ये रहा, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ये सब 5 नंबर के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ आंसर यहाँ तक है इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का कुछ आंसर यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर है, इसका आंसर ये है, और भी होगा नीचे इसका। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर, वीडियो को आप रोक करके और इस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ रहा, क्वेश्चन नंबर 5 ये है। क्लियर है। चलिए, तो ये था आपका, आगे बढ़ते हैं, ये आपका तीसरा चैप्टर आ गया। ठीक है, तो कुल इसमें 5 चैप्टर हैं, तीसरा चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो भूमंडलीय विश्व का बनना, भूमंडलीय विश्व का बनना, इसको आप देखिए। ठीक है, आपके लिए इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए या फिर पढ़िए, जो करना है आपके क्वेश्चन, और ये आपका रहा आंसर। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और क्वेश्चन नंबर इसमें चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 9 है, 8 है, 9 है, ये सब है, और क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, ये सब आपको क्या करना है, याद कर लेना या फिर पढ़ लेना है। ठीक है, 13, 14, 15, 16
ये सब आपका है ठीक है, 17 है, 18 है ठीक है। तो ये सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एक, और ये तो और है इम्पोर्टेंट है, ये पहले भी एग्जाम में पूछा हुआ है, 2022 के एग्जाम में ये पूछा हुआ, 22 के एग्जाम में ये पूछा हुआ है, क्लियर है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, 20 भी है आपका। तो ये सब आपका ये बुक से चुना हुआ क्वेश्चन है और छोटे बड़े सभी इसमें क्वेश्चन आपको रखे गए हैं, और ये आप पढ़ लीजिए तो हमें नहीं लगता है कि इससे बाहर कोई भी और आपका आएगा, तो ये सब आप जरूर पढ़ लीजिए ठीक। क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ टोटल इसमें 33 क्वेश्चन है, यहाँ देखिए 28, 29 और फिर 29 के बाद 30 होना चाहिए, 30 तो नहीं है, 31 आ गया, चलिए कोई बात नहीं, यानी कि 32 वो टोटल क्वेश्चन है ठीक है, 32 वो टोटल क्वेश्चन है। तो ये सभी का आंसर आपके सामने, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे चलते हैं। वैश्वीकरण क्या है जी, 77 से क्या समझते हैं, फिर गिरमिटिया मजदूर से क्या समझते हैं, वीटो का क्या अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 5 रिंडरपेस्ट क्या है, ये सब क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको यहाँ पर आंसर सभी उपलब्ध है, आपको क्वेश्चन देखना चाहिए और इसका आंसर आप खुद ब खुद कर लीजिएगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 के बाद यहाँ है आपका क्वेश्चन नंबर, बस 13 तक ही है ठीक है। इसके बाद है आपका फर्स्ट यहाँ पर है, सेकेंड है, और इसके बाद है आपका थर्ड है, और यहाँ पर आपका फोर क्वेश्चन नंबर है ठीक है। इसका आंसर आपके सामने है, 5 यहाँ पर है, इसका 5 का आंसर आपका ये है ठीक है, यहाँ से 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपका, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 8 है ठीक है, आप वीडियो को रोकिए और इसको पढ़िए ठीक है, आपको ये सब बहुत काम करेगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, इसका क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो उसका वो यहाँ तक है ठीक है, ये भी क्वेश्चन नंबर ये 8 का ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, इसके बाद है 9 देख लिए, अब देखिए 10 का, तो क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका आंसर ये रहा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए यहाँ पर है और इसका आंसर ये रहा, क्लियर है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए और इसका आंसर ये रहा ठीक है, और भी नीचे है, ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ठीक है, और ये सब क्वेश्चन आपका काम का है, ये सब 5 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है ठीक है, 5 नंबर, 3 नंबर ऐसे आपका पूछा जाएगा, तो पढ़ा हुआ रहेगा तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, और इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है और इसका आंसर ये रहा, सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ तक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये है, और बड़ा बड़ा क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपका अधिकतर हो ही जाता है पूरा, क्लियर है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ से है ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा और इसका आंसर यहाँ है, और भी होगा इसमें तो दिखा देते हैं आपको ठीक है। ये था हमारा चैप्टर नंबर कौन सा, चैप्टर नंबर 3 था, अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 ठीक है, औद्योगिकरण का युग ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए आपका क्वेश्चन सामने है और इसका आंसर भी आपके सामने है, क्लियर है। अगर किसी का आंसर होगा मिस प्रिंटिंग या फिर गलत होगा तो आप बताइएगा ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, 5 आपके पास है, 5 है, 6 है, 7 है, इसके बाद है 8 है, 9 है, इसके बाद देखिए 10 इधर है, 10 आपका ये रहा, 10, 11, 12, 13, ये सब आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सेट में या फिर बोर्ड एग्जाम में पूछा ये सब सवाल है ठीक है। तो आप इस सबको जरूर पढ़िए, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत मदद करेगा, क्लियर है। इसके बाद और भी आपका है, यहाँ देखिए 19 है, 20 है, 21, 22, इसमें भी टोटल 30 क्वेश्चन है, इसके बाद 23 हो गया, 23, 24, 25 है, क्लियर है। 25 के बाद देख लीजिए, 25 के बाद इधर 26 है, 27, 28 ठीक है, और 29 इधर है आपका, 29 हो गया, 30 हो गया, क्लियर है। तो ये सभी आपका ऑब्जेक्टिव था, आप देखिए सब्जेक्टिव में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसके बाद है आपका 4, 5, 6, ये सब आपका क्वेश्चन है, ये सबको वीडियो को रोकिए और इस सबको पढ़िए ठीक है, ये सब आपका काम का है, क्लियर है। बाकी आप देख लीजिए ठीक है, 9 है, 10 है, 11 है, फिर इस प्रकार से ख़त्म होता है, तो अब आपका शुरुआत होता है ये लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, और आपका है ये हो गया, और थर्ड आपका इधर है ठीक है, यहाँ देखिए
ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, क्लियर है। इसके बाद है आपका फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ रहा। इसके बाद है आपका फिफ्थ, ठीक है। तो फाइव वाला यहाँ है, सिक्स वाला यहाँ है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेवन भी है यहाँ, ठीक। जॉबर किसे कहते हैं, ठीक ना। तो ये सेवन है। इसके बाद एट है कि भारत के कारखानों के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो ये आपका एट क्वेश्चन नंबर है। इसके बाद है आपका नाइन है, नाइन हो गया। इसके बाद आपका टेन है, यहाँ देखिए, ठीक। तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत काम करेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों अगर पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम का तैयारी आधा आधा क्या 80% इसी से हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब ये दीर्घ है, लंबा लंबा क्वेश्चन आंसर है, पाँच नंबर के लिए पूछता है, तो ये सबको आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर मेरा मकसद था सिर्फ क्वेश्चन उपलब्ध करवाना, ठीक है, क्योंकि आंसर तो इसमें है ही, तो आंसर है ही, तो आपको देख लीजिए और अच्छे से पढ़िए और समझिए, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर हो गया थ्री, थ्री का है यहाँ तक आंसर है, देख लीजिए यहाँ तक इसका आंसर है। इसके बाद फोर आपका यहाँ से है, ठीक है, फोर आपका यहाँ से है, ये आपका फोर रहा। और इसके बाद ये आपका फाइव है, ये आपका फाइव है। इसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर फाइव, ठीक है, और ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। लास्ट चैप्टर है इसका भी देख लीजिए, क्वेश्चन इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सब आपका यहाँ पर है और इसका आंसर भी है, क्लियर है। तो ये आपका फाइव सिक्स सेवन एट ये सब आपका क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका नाइन, तो नाइन टेन ये सब आपका है और ये सब काम का क्वेश्चन है, ये सब आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। कंपोजिटर शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पर इसमें दिया हुआ है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर तेरह, देखिए क्वेश्चन नंबर तेरह चौदह पंद्रह सोलह ये सब है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सत्रह, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सत्रह, ठीक है, देख लिए। चलिए इसके बाद इसमें है क्वेश्चन नंबर अठारह उन्नीस बीस, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर इक्कीस है बाईस तेईस, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर चौबीस पच्चीस और छब्बीस इधर रहा, ठीक है, ये आपका छब्बीस क्वेश्चन नंबर, ठीक है। चीन में किताबें कैसे छपी ये सब आपका है, ठीक है, और ये सब क्वेश्चन आपका काम का करेगा, ठीक है। अगर आप पढ़े हुए बुक जितना पढ़ेंगे उतना ठीक है, और नहीं भी पढ़ें तो ये इसको पढ़ लीजिए तो आपका बुक लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आपको पढ़ना है, क्लियर है। ये क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, और आपका सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक उपलब्ध करवाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इलेवन ट्वेल्थ सभी आपको यहाँ पर मिलेगा, मैथ का सभी आपको सब्जेक्ट मिलेगा, टेंथ का भी सभी मिलेगा। चलिए अब इसका लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, अति लघु है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये सब है आपका। फिर इसके बाद नीचे है आपका फाइव सिक्स सेवन एट ये सब आपका है, ठीक है, ये नाइन भी है टेन भी है। तो ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिए और इसका आंसर नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, याद कीजिए और समझिए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का जो समय है वो ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको अच्छे से देखिए पढ़िए और कम समय में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये सब का क्वेश्चन आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन देख लीजिए, सारे काम की चीज़ें, ठीक है, वीडियो को रोक करके आराम से इसको पढ़िए, क्लियर है। इसके बाद आपका लंबा क्वेश्चन आंसर आता है, देखिए ये लंबा लंबा क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ याद कीजिए, ठीक है, कुछ समझिए, ठीक है, तो उसी से हो जाएगा। इतना कुछ को कहानी जैसा समझ समझ करके भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है, और पॉइंट बाय पॉइंट करके एग्जाम में लिखेगा तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा, क्लियर है। तो ये था हमारा इतिहास, ठीक है, ये था हमारा इतिहास। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे किसका, जियोग्राफी का देखेंगे, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में।